Please subscribe and press the bell icon for the latest update. फ्रेंड्स वेलकम टू माई लाइफ स्टाइल, कैसे हैं आप लोग? आ गई हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डिनर रूटीन। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ चिकन लबाबदार और मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा। और ये मैं फारूक के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है छोटा सा। बहुत दिन से फारूक बोल रहे थे कि शाही टुकड़ा बना दो, तो मैं सोची आज मैं शाही टुकड़ा बनाती हूँ और फारूक को सरप्राइज़ करती हूँ। और आप सोचोगे मैं इतना मेकअप लगा के क्यों आज ब्लॉग कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। मेरा एक नया ब्लॉग आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है वो, तो आप जब आएगा जब देख लेना। वो रेसिपी का या कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, एक चैलेंज वाला ब्लॉग है, तो उसके लिए आप वेट करें। जब तक आज हम लोग बनाते हैं चिकन लबाबदार और शाही टुकड़ा, तो चलो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन लबाबदार बनाने के लिए मैंने ली हूँ 1 kg चिकन, ये 3 tablespoon क्रीम है और ये काजू का 8 से 10 काजू को मैंने पीस ली थी, और ये 3 tablespoon दही, एक बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई, और ये 2 medium size के टमाटो को मैंने प्यूरी बना ली थी, और ये है 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, ये 1/2 teaspoon टर्मरिक हल्दी पाउडर, ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर और 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने पैन गरम करने रख दी हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अभी तेल गरम हो गया है, चेक करना है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। चिकन लबाबदार तो बहुत टाइप के होते हैं बट ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है इसका, ये बहुत इजी वाली रेसिपी है। मैं आप लोगों के लिए इजी रेसिपी लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें मेरे वीडियोज़। प्याज को ना ब्राउन होने तक फ्राई करना है, हल्का ब्राउन कलर हो जाना चाहिए इसका, तो जब तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और ये हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, इसको और थोड़ा ब्राउन करना है प्याज को। जैसे बरिस्ता वाली प्याज होती है ना जो बिरयानी में डालते हैं, उस तरीके की प्याज इसमें करना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरी प्याज कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई है बट कोई बात नहीं, मैं उसको एडजस्ट कर लूँगी, बट आप इतनी ब्राउन मत करना। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सारे पाउडर मसाले। अब मुझे तो आइडिया है तो मैं इसको कर लूँगी एडजस्ट दही ऐड करके, तो आप इससे थोड़ी सी कम ब्राउन करना। मेरी थोड़ी सी लग गई, मैं दूसरी जगह कुछ चली गई थी तो ब्लॉक के वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, तो आप लोग इतना ज़्यादा ब्राउन मत करना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन, तो चिकन को ऐड करके मसालों में भून लेना है अच्छी तरीके से, हो जाता है यार कभी कभी सबसे हो जाती है मिस्टेक, तो मुझसे भी मिस्टेक हो गई आज थोड़ी सी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गई बट मैं उसको कर लूँगी एडजस्ट हो जाएगी। अब ये चिकन को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है चिकन को मसालों में। और ये हमारा चिकन अच्छे से भून गया है।
अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना आपको नमक चाहिए उसके हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हो इसमें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दही। दही ऐड करने से ना अच्छा फ्लेवर आएगा, जो थोड़ी मेरी जो प्याज थोड़ी सी ज्यादा डार्क ब्राउन हो गई थी ना, वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगी दही डालने की वजह से। और अभी दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। अब चिकन में दही और मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको मैंने 2 मिनट तक भून ली थी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। अब इसमें ऐड करें टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसको ढक कर 10 मिनट तक पकाना है, ढक कर मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, चिकन टेंडर होने तक इसको पकाना है। और इसको 10 मिनट हो गया है टमाटो प्यूरी डाल के। अब इसको थोड़ा सा गैस का फ्लेम मैं हाई कर लूंगी और इसको थोड़ा सा पानी इसका कर थोड़ा सा इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लूंगी मैं इसको। इसमें कम लग रही है तो मैं मिर्ची इसमें ऐड कर लूंगी थोड़ी सी। तो इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी मिर्ची। मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आपको डालना है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून मिर्ची और ऐड की हूँ। इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो इसका पानी थोड़ा मैंने सुखा रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर रही हूँ मैं। गैस का फ्लेम लो करके इसमें मैं ऐड करूँगी काजू का पेस्ट। ये मैंने 8 से 10 काजू ली थी। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें मैं ऐड करूंगी क्रीम। आप दूध की जो ऊपर की मलाई होती है वो भी डाल सकते हो, या तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा बचा लूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारा चिकन लबाबदार रेडी है। बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँ। ओनली 5 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। मीडियम फ्लेम पे खाली 5 मिनट तक पकाना है। और अब हम इसको फोल्ड कर देखेंगे। और ये मेरा चिकन लबाबदार रेडी है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरी धनिया के साथ, थोड़ा सा गार्निश करूँगी। और उसको सर्विंग के टाइम पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा हल्का सा बना रही हूँ उसको। बाकी का क्रीम जो है मैं सर्विंग के टाइम पे ऐड करूँगी। और मेरा वहाँ पर राइस हो गया है और यहाँ चिकन लबाबदार। और अभी हमारा चिकन लबाबदार हो गया है रेडी। अब मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। तो मैं आपको बताती हूँ शाही टुकड़ा के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ शाही टुकड़ा के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये मैंने ली हूँ 1 कप शुगर, ये 1 कप शक्कर ली हूँ मैंने, और ये ज़ाफ़रान है, और ये इलायची पाउडर, और ये मैंने 3 ब्रेड ली हूँ। 3 ब्रेड को ऐसे कट करी इस शेप में, आपको जो शेप चाहिए उस शेप में आप कट कर सकते हो। और ये मैंने ली हूँ घी,
और ये 350 ml मिल्क है और ये ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का ले सकते हो, जो ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए, और ये पानी यूज़ होगा। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी एक कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी शुगर, ऐड करूंगी पानी ऐड करके इसमें ऐड करूंगी 1 कप शुगर। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे इसमें। मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा जब उसकी रबड़ी बनाऊँगी ना उसमें ऐड करूँगी, तो उसमें थोड़ा सा इलायची, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑरेंज कलर, थोड़ा सा ही ऑरेंज कलर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, और ये ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है ऑरेंज कलर तो आप डाल सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। ये मैं बस थोड़ा सा उसमें कलर आने के लिए मैं ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। और अब इस चाशनी को पकाना है, इसको मिक्स कर लूँगी मैं थोड़ा सा, और इसको 1-2 उबाल आने तक इसको पका लूँगी। इसमें ना मैं 2 चीज़ बताना भूल गई थी, इसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून मैंने ये मिल्क पाउडर ली हूँ, ये मिल्क पाउडर ऐड करना है, और ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्ला। तो ये भी इसकी जब रबड़ी बनाएंगे ना तब उसमें ऐड करना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। और ये हमारी चाशनी हो गई है, हाँ ये चाशनी अच्छे से हो गई है, अब इसको साइड में करते हैं। ये मैंने पैन में घी हूँ, अब इसमें मैं ऐड करूंगी घी, और देसी घी लेना है, देसी घी में ही शाही टुकड़े का मज़ा आता है। ऐसे तो आप डालडा में भी बना सकते हो, बट देसी घी में जो मज़ा है वो टेस्ट नहीं आएगा आपको। डालडा में बनाओगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। घी गर्म हो गया है, अब एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो मैं 3-3 करके 3 बैच में इसको फ्राई कर लूँगी। और इसको एक एक करके टर्न कर लेना, चेक कर लेना अच्छा कलर आना, और इसमें अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसको पानी में डिप करके जाऊंगी, थोड़ा सा कलर आना बाकी है, इसको थोड़ा सा टर्न करके इसको थोड़ा सा और गोल्डन करके इसको मैं डिप कर लूंगी, और इसमें भी अच्छा कलर आ गया है। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब इसको मैं शीरे में डिप कर लूंगी, और मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि फारूक ऑफिस से निकल गए हैं, और अगर फारूक आ गए तो मेरा सरप्राइज फ्लॉप हो जाएगा। तो होप फारूक आने से पहले ये बन जाए और मैं फारूक को सरप्राइज कर सकूं, पता चला मैं ही सरप्राइज हो जाऊंगी। इसको अच्छे से डिप कर लेना, और मैंने यहाँ पर पैन छोटा ले ली थी, इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा वो लग रहा है क्योंकि मैंने छोटे से इसमें बना दी हूँ। नेक्स्ट आप बनाओ तो थोड़ा बड़ा पैन में बनाना ताकि इसको डिप करने आसानी है। अब जब तक ये ब्रेड में शीरा सोख लेता है, जब तक हम लोग इसका बनाते हैं रबड़ी, फटाफट रबड़ी बनाते हैं।
तभी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया। नॉन स्टिक पैन में ही बनाना है तो वो स्टिक में ही होनी चाहिए। ये मैंने 350 ml मिल्क ली, मुझे ज़्यादा रबड़ी नहीं बनानी है क्योंकि मुझे तो रबड़ी पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है शाही टुकड़ा शीरे में। बट ये मैं फारूक के लिए बना रही हूँ रबड़ी। और ये दूध में उबाल आ गया है, आप देख सकते हो दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची का पाउडर। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा केसर ज़ाफ़रान, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। ज़ाफ़रान से अच्छी खुशबू आती है इसमें और अच्छा सा कलर भी आता है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो या तो आप स्किप कर सकते हो उसको। और इसको कंटिन्यू मिलाते रहना, मिक्स करते रहना, ये तो दूध ऊपर आ जाएगा। दूध को ऊपर आने नहीं देना है, 10-15 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है। रबड़ी बनाने का यही एक प्रॉब्लम रहता है कि बस इसको मिक्स करते रहो 10-15 मिनट तक। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी स्किप कर सकते हो, इसको ऐसे ही बना। फटाफट बन जाए फारूक आने से पहले मेरी रेसिपी। ओह शिट, फारूक आ गए। और फारूक आ गए हैं तो मेरा सरप्राइज मुझे लगता है फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पता चल गया कि मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, मेरे को किचन में आने नहीं दिया। देखती हूँ कब तक मैं उनको रोक सकती हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर, थोड़ा जब दूध गाढ़ा हो जाए ना तो उस स्टेज पे फिर मिल्क पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्ब्स ना रहे। या तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, या तो थोड़ा सा मिल्क निकाल के आप कॉर्नफ्लावर में और मिल्क पाउडर में दोनों पाउडर को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसा भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो। डायरेक्ट डालने में ये है कि उसको थोड़ा अच्छे से मैश करना पड़ता है ताकि कोई लम्ब्स ना रहे। और ये ऑलमोस्ट हमारी रबड़ी बनके तैयार है, बस इसको थोड़ा सा ही उबाल आने दूंगी, बस ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस एक उबाल आने तक। हाँ जी, मैं इसको डिश आउट करूंगी। और इसको एक एक करके डिश आउट कर लेना। और फारूक बार बार किचन के आगे पीछे बार बार आवाज़ दे रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं मेरा सरप्राइज रहने वाला है। और इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है डालने से पहले। इसको मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश करूंगी। पर पिता, मैं सरप्राइज कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। कैसा लगा? वेरी गुड। टेस्ट करके बताना कैसा है। अंजू, कैसा लगा आपको? अच्छा है। काय के जैसा?
फारूक को सरप्राइज पता चल गया था, अजलान ने बता दिया था, इसलिए फारूक अजलान को देख रहे थे बार बार। कैसा बना फारूक जी? और मेरा सरप्राइज हो गया फ्लॉप, बट फारूक को शाही टुकड़ा बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई एम हैप्पी। और ये देखिए आफ्टर डिनर और व्लॉग बनाने के बाद मेरी किचन की हालत। अब इसको मैं फटाफट सही करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बिफोर एंड आफ्टर मेरा किचन। ये देखो किचन कितना मेस हो गया है, इतने सारे बर्तन, बाप रे। और अब देखो मेरा किचन सेट हो गया है पूरा, मैंने क्लीन कर दी हूँ। फिनिश करती हूँ या तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और अब मेरा काम हो गया है, डिनर हो गया है, आप देख सकते हो मेरा किचन एकदम साफ हो गया है। तो बाय फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।